मलयालम मूवीज की रीमेक पे टिका हुआ था बॉलीवुड? नहीं, मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मेरी सारी फेवरेट मूवीज रीमेक है मलयाली मूवीज की। आगे बढ़ने से पहले चेतावनी, आज का वीडियो आपके बचपन की सारी फेवरेट मूवीज पर, उनकी यादों पर मूत्र विसर्जन कर देगा। ओके, तो मैं हाथ खड़े कर अपनी गलती मानता हूँ। ओहो लाला, तुमको तो मुद्दा ही नहीं पता होगा ना। एक तो क्या है कि मेरे पिछले एक दो वीडियो पे व्यू के आगे मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड में आ गया हूँ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सीन ये है की पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था की SRK ने कभी रीमेक मूवी नहीं करी है, जबकि सलमान, आमिर, अक्षय, अजय सब ने रीमेक बनाए। ओके, मान गया आपकी बात, बिल्लू बार बार रीमेक है, पर वो इरफान खान की मूवी है। SRK का तो जस्ट केमियो था। वो बात अलग है कि मूवी के प्रोड्यूसर भी वही थे। मैंने इस मूवी को पिछले वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इस मूवी का इतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं रहा है इंडियन सिनेमा पे। बिल्लू बार बार आई और चली गई, उसके नाम से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, पर कोई बात नहीं, सब भूल गए। बॉक्स ऑफिस पर भी एवरेज कमा के गई। पर जब मैं इस रीमेक सिस्टम की गहराई में उतरा तो मुझे अपने बचपन की सारी फेवरेट मूवीज की काली सच्चाई पता चली। अगर तुमको सच बताऊं ना, तो एक बार मैंने गूगल करके चेक किया कि कहीं 3 Idiot भी तो मलयाली पिक्चर का रीमेक नहीं है। ये तो मोदी जी की कृपा रही कि वो रीमेक नहीं निकली, वरना तो जो बचपन से चमत्कार करने के सपने लेकर मैं घूम रहा हूँ, सुरसुरी पादम, दुरदुरी पादम, सब पे पानी फिर जाता। पर बाबू, जो जो मूवीज निकल कर सामने आई है उनका नाम सुन के तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। आइए चलिए कूदते हैं। वैसे साफ साफ बता दूं, मेरा मकसद तुम्हारी बचपन की यादों को खराब करने का ही है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले तैयार हो जाना। एक बार फिर से याद दिला दूं, पिछले वीडियो में मैंने कुछ नाम लिए थे काफी फेमस मूवीज के जो रीमेक है मलयाली मूवीज का। हेरा फेरी, भूल भुलैया, बॉडीगार्ड, गर्दिश, दृश्यम। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं अपन प्रियदर्शन जी को, जिन्होंने खुद ने अपना करियर स्टार्ट किया था मलयाली मूवीज से। और जब ये सर जी हिंदी मूवीज बनाने आए तो ऑलमोस्ट सारी मूवीज रीमेक बनाई, एक माला माल वीकली को छोड़ दे, जो उन्होंने ओरिजिनल बनाई थी जिसमें रितेश देशमुख है। पर फिर जाके उन्होंने इस मूवी को, माला माल वीकली को, मलयालम में रीमेक किया। बढ़िया स्ट्रेटेजी है सर जी आपकी। दोबारा नहीं बताऊंगा मैं आपको, पर हेरा फेरी भी इन्होंने रीमेक करी थी हिंदी के अंदर। हंगामा अक्षय खन्ना आफ्ताब की 2003 की मूवी जो रीमेक थी प्रियदर्शन की खुद की 1984 की मलयाली मूवी। पोचा कोकुरो मुकुती का हलचल 2004 की मूवी जिसमें अक्षय खन्ना और करीना थे, वो उन्होंने बनाई 1991 की गॉडफादर मूवी से, जिसको मलयाली में बनाया था सिद्दीकी एंड लाल ने। 2005 की गरम मसाला, अक्षय कुमार और जॉन अब्राहिम वाली मूवी, ये भी प्रियदर्शन ने अपनी ही 1985 की मोहनलाल वाली मूवी बोइंग बोइंग से बनाई। 2006 की भागम भाग, वो उन्होंने बनाई 1995 की मनार मथा स्पीकिंग। 2006 की चुपके चुपके, शाहिद कपूर वाली, वो उन्होंने बनाई 1998 की पंजाब हाउस मूवी से। 2008 की मेरे बाप पहले आप, 2001 की स्टम से। बिल्लू की बात अपन कर चुके, 2009 की मूवी है जो रीमेक है 2007 की कथा पेरा युम बोलगा। 2010 की खट्टा मीठा रीमेक है 1988 की वेला नाका लूडे नाडू। देदनादन भी उन्होंने खुद की मूवी का रीमेक बनाया, ओरिजिनल मूवी थी वेटम। ऐसे प्रियदर्शन जी ने लगाई पैसा डबल करने वाली स्कीम, पहले ओरिजिनल लैंग्वेज में बनाई, फिर यहाँ के हिंदी में बनाई, 21 दिन में पैसा डबल। गोलमाल 2006 की मूवी, डरो नहीं, रोहित शेट्टी की मूवी जिसमें मेन लीड में थे अपने अजय देवगन जी, वो भी रीमेक है मलयाली मूवी का। कका कोयली 2001 की मूवी जिसमें मेन लीड में थे आपके मोहनलाल। और इसके मलयालम में डायरेक्टर कौन होंगे अंदाजा लगाओ? हाँ, प्रियदर्शन जी। और इस ओरिजिनल मूवी के साथ भी थोड़ा झोल है, ये इंस्पायर्ड थी दो चीजों से, एक तो हॉलीवुड मूवी ए फिश कॉल्ड वांडा से, दूसरा एक गुजराती प्ले जिसका नाम था अफलातून। इन दोनों से इंस्पायर्ड होकर बनी थी मलयालम मूवी, और मलयालम मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनी आपकी गोलमाल। इतनी सारी फेमस हिंदी मूवीज जिनका इंडियन सिनेमा पे इतना ज्यादा इम्पेक्ट रहा है, एंड ऑफ द डे वो रीमेक है मलयाली मूवीज का। ओ माँ, माता जी, मेरा तो कलेजा बाहर आ गया। जब वीडियो के लिए खोजबीन स्टार्ट करी थी तो मेरे को लगा क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 रीमेक निकल जाएंगे, पर बाबू हर पहली बड़ी मूवी रीमेक है मलयाली मूवी का। इतनी मलयाली मूवीज का नाम ले लिया कि धीरे धीरे तो मेरा मलयाली एक्सेंट भी सही होता जा रहा है। वो बात अलग है कि मैं जब भी फहाद फासिल बोलता हूँ, तुमको फहाद फैसिल सुनता है। चलो थोड़ा और इधर उधर मुंह मार लेते हैं। बोस 2003 की अक्षय कुमार की मूवी रीमेक थी 2010 की पोकेरी राजा से, जिसमें थे आपके ममूती और पृथ्वीराज मेन लीड में। मिली 2022 की जानवी कपूर की मूवी रीमेक थी 2019 की हेलन से, दोनों के डायरेक्टर सेम थे। और आपके प्रिय मनोज वाजपेयी की ट्रैफिक 2016 की मूवी रीमेक थी 2011 की सेम नाम की मूवी से, जिसके डायरेक्टर भी सेम थे। और आजकल जो नेशनल क्रश बन के घूम रहे हैं आपके विक्रांत मासी, 12th फेल वाले। फोरेंसिक 2022 में मूवी आई थी, वो रीमेक है 2020 की टोविनो थॉमस की सेम नाम की मूवी से। अक्षय कुमार, इमरान हाशमी की मूवी सेल्फी भी रीमेक है मलयाली मूवी का। बहुत से रीमेक तो ऐसे है जिनको मैंने जानबूझकर छोड़ दिया। अगर बाकी लैंग्वेज को भी मैंने इंक्लूड कर लिया होता ना, तो तुमको लगेगा की पूरा बॉलीवुड ही दूसरों के काम से अपना पेट भर कर रहा है, ले कर दिया मूत्र विसर्जन तेरे बॉलीवुड पर। लेकिन 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 अभी कुछ दिनों पहले मैंने पृथ्वीराज की मूवी जन गण मन देखी। जिस तरीके से उस मूवी का स्क्रीन प्ले था उसी तरीके से मैंने इस वीडियो को लिखा है। बाय द वे चेकआउट कर लेना, बड़ा मजेदार माल है वो। तो पहले मैं तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से गंदगी में उतार दूंगा, मैं तुमको सोचने का मौका भी नहीं दूंगा। रीमेक मतलब छी, हमको तुमको मिलकर पागल बना रहे हैं बॉलीवुड वाले, रीमेक के दलाल हैं। पर वीडियो का वो पार्ट खत्म हो चुका है जहाँ पर मैंने वही बोला जो तुम सुनना चाह रहे थे और जो तुमने आसपास सुनकर अपने दिमाग में फिक्स कर लिया था कि हाँ रीमेक मतलब गंदगी। पर अब असली मुद्दा स्टार्ट होता है जहाँ पर मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा, मैं आपको मजबूर करूंगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ, ऐसे ही भेड़ चालना स्टार्ट कर दो। आइए मजा आएगा, शुरू करते हैं। पाप है क्या अच्छी मूवी का रीमेक करना? पाप है बोलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। ओके, अगर मेरी बातें सुनते सुनते तुमको नींद आ गई थी तो थोड़ा सा अब उठने की कोशिश करना, क्योंकि अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दो। एक मूवी आई थी अंधाधुन नाम की जिसमें मेन लीड में थे आयुष्मान, 2018 में आई थी। उस मूवी का रीमेक बना था 2021 में मलयालम में, नाम था ब्रह्मम, एक्टर थे आपके पृथ्वीराज जी। कर दिया ना पाप, ना 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 गंदी बात, नो रीमेक। बेस्ट ऑफ लक 2010 की मूवी, रीमेक थी ऑल द बेस्ट का, जबकि ऑल द बेस्ट खुद भी इधर उधर से उठा के बनाई हुई थी, ओरिजिनल वो भी नहीं थी। रेस 2011 की मूवी, वो रीमेक है हिंदी मूवी डेडलाइन का, 2006 में आई थी और उसमें मेन लीड में थे इरफान खान। जेम जेम जो की रीमेक थी कंगना राणावत की क्वीन का, पर जेम जेम कभी रिलीज नहीं हुई। क्या मतलब वो लोग भी रीमेक बनाते हैं। पर अगर अपन बैठ के कंपैरिजन करें तो आपको ये बात देखने को मिलेगी कि बॉलीवुड ने बहुत ज्यादा रीमेक बनाए मलयाली मूवीज के, जबकि मलयाली मूवीज ने तो बहुत गिनती कैसे बनाए। तो कुल मिला के ये बात तो सब मानेंगे कि मलयाली जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हिंदी कंटेंट से। पर अगर हेरा फेरी, भूल भुलैया, दृश्यम जैसे रीमेक नहीं बनते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ओरिजिनल मूवी की इतनी डिमांड नहीं होती। अगर तुमने अपने दिमाग में बात बना ली कि रीमेक मूवी मतलब गलत, पाप, तो तुम गलत। संदीप रेड्डी वांगा, अर्जुन रेड्डी बनाई, पर उनका असली बोलबाला हुआ किससे? कबीर सिंह से। रीमेक थी ना। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा क्या लेजेंड है, लेजेंड जो कि 1960 से मूवीज बनाता आ रहा है। ऐसा डायरेक्टर जिसकी मूवीज को फिल्म स्कूल में स्टडी किया जाता है, दुनिया भर के लिए ट्रेंड सेट करने वाली मूवीज बनाई है। उनको एज ए डायरेक्टर ऑस्कर मिला 2006 में, वो मूवी रीमेक थी। बंदे का नाम है मार्टिन स्कोरसेजी, मूवी का नाम है द डिपार्टेड, मेन लीड में अपने लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड मैट डेमन, और ये मूवी रीमेक है इन्फर्नल अफेयर करके 2002 की हांगकांग की मूवी का। अब बोलो क्या ओपिनियन है तुम्हारा रीमेक को लेकर? कई बार तो ऐसा होता है कि ओरिजिनल मूवी के मेकर्स खुद चाहते हैं कि उनकी मूवी का रीमेक बने ताकि उन पे राइट्स के पैसे आए। वो खुद लेके जाते हैं कि आप हमारी मूवी को हिंदी में बना लो, तेलुगु में बना लो, तमिल में बना लो, मलयालम में बना लो, इंग्लिश में बना लो। धीरे धीरे इंडिया में भी ओटीटी का ट्रेंड बढ़ गया है, सबटाइटल में भी मूवी देखना प्रीफर करने लग गए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि इंडिया में रीमेक बनने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस जो है वो सबटाइटल के विदाउट ही मूवी देखती है। या तो उनको डब करके दो या उनके फेवरेट हीरो को उस मूवी में डालो। दृश्यम को ले लेते हैं, दृश्यम इंडिया की ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज में बनी है, इंडिया के बाहर भी। चाइना वालों ने भी रीमेक बनाया, मोहनलाल जी की मूवी को हिंदी में डब करके रिलीज करते थे, पर इतना नाम नहीं कमा पाती जितना अजय देवगन वाले ने कमाया। जब बात आती है प्रियदर्शन जी की, तो उन्होंने अपनी मलयाली मूवीज को फिर से हिंदी में बनाया और जो दूसरी फेमस मलयाली मूवीज थी उनको भी हिंदी में बनाया। उससे क्या हुआ कि मलयालम सिनेमा का कंटेंट उन्होंने देश के मैप पे रख दिया। चलो इमेजिन करो विदाउट प्रियदर्शन के बॉलीवुड और मलयालम सिनेमा, अपन को कभी भी अक्षय कुमार एज ए कॉमेडी किंग नहीं मिलते। और एक और बात हो जाती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कभी भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाता। बाकी क्या गलत है क्या सही वो तुम पे छोड़ दिया मैंने, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो अपना ओपिनियन। आया कि नहीं आया मजा वीडियो में? आया और देखना है तो ये वाले दोनों वीडियोस चेकआउट कर लो, बाकी तो अलविदा।